नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिकेट टॉक विद पीआई में। आज हम बात करने वाले हैं स्टार स्पोर्ट्स के बारे में। देखिए, स्टार स्पोर्ट्स एक ब्रॉडकास्टिंग क्रिकेट का ब्रॉडकास्टर है जो कि लगातार आप सभी को मैच दिखाता है, हमको भी मैच दिखाता है। पूरे वर्ल्ड में स्टार स्पोर्ट्स का नाम है। ये ब्रॉडकास्टिंग करता है इंडियन मैचेस के, भारतीय टीम के मैचेस के, बाहर की टीमों के मैचेस भारत में या बाहर। तो स्टार स्पोर्ट एक बहुत ही बड़ा ब्रॉडकास्टर है। तो आज स्टार स्पोर्ट्स के बारे में आज हम आपको बात करेंगे। स्टार स्पोर्ट्स को आईपीएल से क्या लॉस होगा, कितना लॉस होगा, आज हम उसके बारे में लॉस करेंगे कि आईपीएल 2020 अगर नहीं होता या आईपीएल 2020 अगर छोटा होता है तो इससे क्या घाटे होंगे स्टार स्पोर्ट्स के बारे में। स्टार स्पोर्ट को आज हम इस बारे में बात करेंगे। देखिए, स्टार स्पोर्ट्स ने आईपीएल के 5 साल के राइट्स खरीदे थे 16,347.5 करोड़ के। जी हाँ, 16,347 करोड़ के राइट्स खरीदे थे 5 साल के टेली ब्रॉडकास्टिंग के बीसीसीआई से। आपको एक साल का अगर आप निकालेंगे तो 2269 करोड़ रुपए निकलता है एक साल का, एक साल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के। तो अगर इस साल अगर आईपीएल ना हुआ तो उन्हें 3269 करोड़ का सीधा सीधा मैं कहूँगा एक लॉस होता जा रहा है 3269 करोड़ का। तो ज़रूर चाहेगी बीसीसीआई भी कि आईपीएल हो। तो क्या ऐसे में बीसीसीआई चाहेगी कि जो ऐसे में हो रहे हैं आईपीएल नहीं होगा, तो इससे बीसीसीआई को भी लॉस होगा कि एक साल उनका जो ब्रॉडकास्टिंग का जो वो रहेगा वो आगे बढ़ाना पड़ेगा स्टार स्पोर्ट्स का। तो ऐसे में बीसीसीआई चाहेगा कि आईपीएल हो और स्टार स्पोर्ट्स भी चाहता होगा कि आईपीएल हो, जिससे उनकी जो ब्रॉडकास्टिंग में जो उनका इनकम है वो बढ़े। और एक मैच की जब कीमत की बात करते तो एक मैच की कीमत अराउंड आ रही है 54.69 करोड़। जी हाँ, 54.69 करोड़ एक मैच की ब्रॉडकास्टिंग की कीमत आ रही है। एक मैच को आपने इतने में खरीदा तो एक बॉल की कीमत आ रही है 21 लाख। अगर बीसीसीआई इस फॉर्मेट को छोटा करता है 60 मैचेस के बजाय अगर 30 मैचेस हुए तो इस 30 मैचेस हुए, 20 मैचेस हुए, 25 मैचेस हुए, 40 मैचेस हुए, तो ये 21 लाख जो एक बॉल की कीमत है स्टार स्पोर्ट्स के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए, वो कीमत बढ़ के हो सकता है 40 लाख पहुँच जाए, हो सकता है 50 लाख पहुँच जाए। तो इससे मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स को। बट इसको मैनेज करने के लिए शायद बीसीसीआई ने बोल दिया है स्टार स्पोर्ट्स से कि आप इसकी कोई टेंशन ना लें। अगर ऐसा नहीं हो सका, अगर ब्रॉडकास्टिंग से आपको घाटा हुआ या फिर आईपीएल नहीं हो सका, तो इसका आपको रेवेन्यू मिलेगा और वापस मिलेगा आपको रेवेन्यू इसका। और स्टार स्पोर्ट्स भी चाहता होगा कि शायद आईपीएल हो, क्योंकि आईपीएल में जो ब्रॉडकास्टिंग जितना फ़ायदा होगा वो शायद इतना रेवेन्यू वापसी में शायद इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। स्टार स्पोर्ट्स भी चाह रहे हैं कि ब्रॉडकास्टिंग से उनका जो फ़ायदा वो बहुत ज़्यादा होता है। स्टार स्पोर्ट्स चाहता है कि आईपीएल हो, ब्रॉडकास्टर से वो उनके 3-4 चैनल चलते हैं कंसिस्टेंट, डेली मैचेस आते हैं। वो ब्रॉडकास्टिंग से हर लैंग्वेज में वो ब्रॉडकास्ट करते हैं मैच को आजकल, जिसके कारण उनकी हर तरफ से मैं कहूँगा रेवेन्यू आता है। और वो जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा ना, वो रेवेन्यू जो वापस मिलेगा बीसीसीआई से, उससे बहुत ज़्यादा होगा। तो स्टार स्पोर्ट्स को मैं कहूँगा इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। स्टार स्पोर्ट अगर आईपीएल नहीं होता तो फायदे के सौदे में नहीं रहेगा, अगर आईपीएल हुआ भी, छोटा आईपीएल भी हुआ तो भी स्टार स्पोर्ट घाटे में नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। आप हमें अपनी राय दें, स्टार स्पोर्ट्स क्या फ़ायदे में रहेगा या घाटे में रहेगा, आप अपनी राय भी हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बताएं हमें कमेंट सेक्शन में कि वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।